Thank you for coming. This is the third death anniversary of Sarabjit Singh, जिनके ऊपर ये पिक्चर बनी गई हैं. हमारा मुद्दा आज यही था यहाँ आने का और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने से हम एक डेडिकेट करना चाहते हैं इस फिल्म को उस फैमिली के ओर जिनके ऊपर ये पिक्चर बनी है. आज आपके साथ आपके बीच हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं दलबीर कौर जी, सुखप्रीत जी एंड पूनम जी. प्लीज आप जरा ऊपर आ जाएं मेरे साथ. इनके वजह से ये पिक्चर बनी है, इनके लिए ये पिक्चर बनी है. और दलबीर जी की कहानी है कि जब ये आए थे हमारे पास, ये पिक्चर बहुत साल पहले बनने वाली थी जब सरबजीत सिंह जी जीवित थे. लेकिन बनाने का ये मुद्दा था तब कि जब अगर बन जाती तो सरबजीत रिहा हो पाते, लेकिन उसके दौरान ही ये हादसा हुआ और वो नहीं आ पाए वापस. तब इन्होंने और कोशिश की कि ये पिक्चर बन जाए. अब ये बनाने का हमारा रीज़न ये है कि ऐसा आगे ना हो, ऐसे आगे और कोई सरबजीत शहीद ना हो. हमने इसलिए ये मुद्दा उठाया है और ये पिक्चर इसलिए ही बनी है कि आगे क्या होगा और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए. सच्चाई आपके सामने हम रखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ये पिक्चर में के दौरान जो भूल हुई वो नहीं होनी चाहिए थी. दलबीर कौर ये है पूनम, सुखप्रीत और सरबजीत की छोटी बेटी. स्वपन यहाँ नहीं है हमारे साथ. और ये हैं सुखप्रीत जी जिन्होंने ये पूरी जो आपकी अपनी लाइफ जो हमारे पास दे दी है और हमें मुझ पर भरोसा किया कि ये पिक्चर बनाएं और दिखाएं लोगों को कि एक्चुअली क्या हुआ है. दलबीर कौर कुछ तो शब्द आपके बोल सकें तो. जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 2 मई को सरबजीत के लिए सारा देश इकट्ठा हुआ था. 26 अप्रैल को उसके ऊपर जेल के अंदर हादसा हुआ, उस पर हमला हुआ. अफसोस मुझे सारी जब तक मैं जीऊंगी जितने साल भी, एक अफसोस रहेगा कि इन हाथों से मैंने अपने बेटे को, अपने भाई को, जिसे मैंने अक्सर बेटा कहकर पुकारा, राखी बांधी थी, अपने हाथों से उसे रोटी भी खिलाई थी, प्यार किया था, उसे सलाहा था, उसके बालों में हाथ मैं फेरती थी, उसका जूड़ा भी किया करती थी, रुमाल भी डाला करती थी. और कई बार वो अगर मेरे साथ रूठ कर रो भी पड़ता तो उसके आंसू भी पहुँचती थी. और इन्हीं हाथों ने, मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में शायद एक अभागी बहन मैं ही होंगी जिसने अपने पुत्र समान बेटे की चिता को अग्नि दी थी. अफसोस यही रहेगा कि वो हाथ आज भी मेरे सलामत हैं. दिल में बहुत बार आया कि काश ये हाथ टूट जाते. सरबजीत से मैंने माफ़ी मांगी थी कि मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ सरबजीत, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए शायद वो प्रयास नहीं कर पाई जो मुझे करने चाहिए थे, या शायद उन सरकारों के कानून पर जूनी रहेंगी जिनके पास मैं जाकर गिड़गड़ाती थी. बड़ी अपनी तरफ से मैं उनके पास हर बात को रखती थी कि अपना पक्ष मजबूत है, पाकिस्तान सरकार के पास उठाइए. शायद वो भी इसमें कामयाब नहीं हुए, हमें सफलता नहीं मिली. या हो सकता है कि पाकिस्तान का अपना इरादा ही ना हो कि सारा देश एक व्यक्ति के लिए खड़ा है. आज हिंदुस्तान उसे अच्छा नहीं लग रहा था, आप सबकी भावनाएं, उसे वो प्यार, वो सब कुछ, उससे जलन थी या क्या था, मैं नहीं समझ पाई. वो छूट कर नहीं आया. ये 2 मई, 28 अगस्त, 26 अप्रैल, 2 मई मेरे जीवन के एक काले दिन हैं, मेरे इतिहास के लिए, मेरे दुख के लिए, मेरे दर्द के लिए. हर राखी पर मैं इंतज़ार करती थी, सरबजीत तुम लौटोगे, इस बार तो तुम जरूर लौटोगे और हम इसी आंगन में बैठेंगे, फिर से राखी बांधेंगे. मगर अफसोस कि वो नहीं आया.
लेकिन उसके होते हुए फिल्म बनाना चाहती थी, जैसा कि उमंग जी ने बताया। शायद हर काम का अपना वक्त होता है, हर काम को करने के लिए कुछ हस्तियां परमात्मा नियुक्त करता है। शायद ये फिल्म उमंग ने ही बनानी थी। मुझे संदीप, जो मेरे छोटे भाई की तरह, उससे मुझे प्यार मिलना था। राजेश बेरी जी का मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, जिन्होंने कि अपने प्रयासों से मुझे उमंग तक लेकर आए, मैं इन तक पहुँची। उससे आगे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात ये हुई कि मुझे रणदीप जैसा अपना भाई मिला। रणदीप फिल्म के अंदर एक हीरो ही नहीं, बल्कि मेरे लिए मेरा अपना भाई है। मुझे उसमें सरबजीत नज़र आया। मैं जब भी ट्रेलर देखती हूँ या कोई बात होती है, मैं रणदीप को ही ज़्यादा देखती हूँ। मुझे रणदीप में सच में सरबजीत नज़र आता है। मैं पहले दिन जब आई थी तो इसे कोठड़ी के अंदर एक रोल दिया था, तो मुझे सच में लगा था कि मेरा शेर कोठड़ी के अंदर बैठा है। मैंने एक मैसेज भी किया था कि रणदीप तुम हजारों साल जियो, तुम्हें किसी की नज़र न लगे। इसी तरह ही मुझे अपनी छोटी बहन ऐश्वर्या का प्यार मिला। जब मुझे वनीता ने फोटो भेजी तो मैंने मैसेज किया कि वनीता, मैंने बेरी भाई साहब ने भी कहा, मैंने भी उनको बोला कि ऐश को देखकर लग रहा था कि मैं हूँ कि ऐश है, ऐश है कि मैं हूँ। उसमें मुझे अपना सब कुछ दिखा और मैंने महसूस किया कि कितना मुश्किल होगा ऐश के लिए एक पंजाबी वातावरण में अपने आप को ढालना, पंजाबी बोलना, पंजाबी सभ्यता में आना, गुरुद्वारा साहब में अपने आप को शीश ढक कर जाना, सेवा करना, अरदास करनी, उस किरदार को निभाना। कहीं ना कहीं तो जरूर भावुक हुई होंगी ऐश, क्योंकि हीरो हो, हीरोइन हो, नेता हो, कोई भी हो, हम सब एक रिश्ते के साथ जुड़े होते हैं, भाई बहन। इसी तरह ऐश भी एक बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, और उस दर्द को अच्छे से पहचानती हैं। मेरे लिए भी एक फख्र की बात है कि ऐश और रणदीप जैसे, जिनके लिए मैं, इनके परिवार के लिए, ऐश के जैसा कि चाहती थी, मेरी एक चाहत थी जिंदगी की, कभी मैं अमिताभ के, बच्चन साहब के परिवार से मिल पाऊंगी, इनको देख पाऊंगी, उनके दरवाजे तक जा पाऊंगी, तो आज उनके साथ हमारा एक रिश्ता बना। थैंक्स कहना चाहती हूँ मैं उमंग जी को, जिनकी कि इनको जो भी किरदार के लिए इन्होंने जिनको भी चुना, वे सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे। और दर्शन, जिनको मैं कहती हूँ कि सच में आप शेख का ही एक दूसरा रूप हो, जिस तरह से शेख साहब के रोल में उन्होंने अपने आप को ढाला, तो मैं यहाँ आप सबको, ऋचा ने जैसा कि अपना रोल निभाया, सभी ने अपनी अपनी जगह ईमानदारी से बहुत अच्छे से इस रोल फिल्म में अपना किरदार जो है वे निभाया है, कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं। मैं सबसे बेहद प्यार करती हूँ और मुझे लगता है कि इस फिल्म के जरिए उमंग, संदीप, रणदीप, ऐश्वर्या, दर्शन, ऋचा, इन सबसे मेरा एक जैसे रिश्ता हो गया हो, नाता हो गया हो। मेरा दिल चाहेगा कि जब कोई दिन त्यौहार आए तो मैं इन सबसे मैसेज करूँ, इनको विश करूँ, इनको, इनसे प्यार दूँ, इनसे प्यार लूँ, एक मुझे लगता है रिश्ता बना। रणदीप से आज मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि रणदीप, मैंने सच में आपके अंदर सरबजीत को देखा है। और एक मेरी चाहत है जो आज सबके सामने मैं कहना चाहती हूँ, इनसे वादा भी लेना चाहूँगी कि जब मेरी मौत हो तो आप जरूर आइएगा और मुझे कंधा दीजिएगा। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि मुझे सरबजीत ने कंधा दिया। बस इतनी बात मैं इनसे ज़रूर कहना चाहूँगी। और आपसे मैं इल्तजा ये करना चाहूँगी, इस फिल्म को इसलिए देखिएगा, ये एक दर्द है, ये एक प्यार है, एक इंतज़ार है, एक तड़फ है रिहाई की। इसके अंदर सिर्फ एक रोना ही नहीं, इसमें परिवार की खुशी भी है, इसमें वो सब कुछ दिखाया है जो मैंने उमंग को बताया। इन्होंने इस तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाया है कि एक बाप के होते हुए भी जब बेटी की डोली उठती है तो क्या दर्द और दुख होता है, क्या महसूस होता है। एक बहन, एक पत्नी, एक बेटियां, इनका इंतज़ार है। एक उस बूढ़े बाप का जो कि रोज़ सलाम करके सोते थे कि साहब जल्दी आना, मैं तुमको मिलकर जाना चाहता हूँ, पर शायद सबकी उनकी बदकिस्मती थी, ऐसा हो नहीं पाया। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि इसको इसलिए देखिएगा कि दोनों मुल्कों के अंदर जो नफरत की बात चल रही है,
और उसके शिकार कौन हो रहे हैं? वो निर्दोष व्यक्ति, बेशक वो पाकिस्तानी है, बेशक वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, बेशक वो भारतीय है, लेकिन जब दोनों मुल्कों के अंदर उन लोगों को पकड़ा जाता है तो उनकी जाति धर्म उनकी नागरिकता पूछकर जो सजा नियुक्त की जाती है, जो उन पर अत्याचार होते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो इसलिए तुम्हारे साथ हम अत्याचार करेंगे, तुम हिंदुस्तानी हो इसलिए तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम जिंदा जा नहीं सकते, तुम्हारी हड्डियां भी नहीं जानी चाहिए, इसलिए इस फिल्म को देखकर इतनी आवाज बुलंद कर देना, इतनी आवाज बुलंद करना, ये इसमें कोई खामियां मत निकालना, सिर्फ प्यार दर्द और तड़प को देखना, रिश्ते को देखना, आपके सहयोग से और जितना भी आप देखेंगे, जो आज के जमाने में बहन और भाई के रिश्ते में जो दरार आ रही है वो भी मैं समझती हूँ कि पूरी होगी, भर जाएंगी, बहन और भाई का प्यार अनमोल होता है, लाखों करोड़ों भी दे दें तो भाई नहीं मिलते, बहनें नहीं मिलती, अपना खून का रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए भी देखना बहुत ज़रूरी है, इसमें प्यार है, दर्द है, खुशी है, सभी जज्बातों को, सभी बातों को इसमें दर्शाया गया। मैं उमंग का फिर एक बार थैंक्स कहना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छे से इस फिल्म को निभाया और बनाया, और संदीप जो कि हमेशा ही कहते थे कि दलवीर जी जब फिल्म बनेगी तो आप देखना, तो मैंने सच में देखा, बहुत अच्छी फिल्म है, आप बोर भी नहीं होंगे, आपको सब कुछ वो मिलेगा, और आप भी चाहेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद कि हम इतना बोलें, इतना डटकर इस बात का विरोध करें कि पाकिस्तान की जेलों में नहीं बल्कि जिस भी देश के अंदर हमारा भारतीय निर्दोष पकड़ा है वे छूट कर वापस आए, और आपके ही सहयोग से वे छूट पाएंगे। हमारी कोशिश सिर्फ इसमें यही है कि अगर एक भी व्यक्ति छूट कर आता है तो हमें खुशी होगी, हम इसे सफलता मानेंगे, और मैं समझूंगी आज मेरा जन्म जो है वह सफल हुआ, मेरा एक सर्वजीत तो कोई वापस छूट कर आया। आपको अभी अनेकों सर्वजीतों को छुड़ाना है लेकिन आपके सहयोग से छूटना है। अभी कृपाल की मृत्यु हुई थी, उसे उसका शव लेकर हम पाकिस्तान से वापस लौटे तो मुझे अपने आप पर बड़ा दुख हो रहा था कि क्या मेरे हिस्से में यही लिखा है कि मैं अपने भाइयों के लिए ऐसा करूंगी। अभी मनीला में भी एक 19 मार्च को जेल के अंदर हिंदुस्तानी को मार दिया, आज उसकी पत्नी का मुझे फ़ोन आया कि दीदी कल उनका शव दिल्ली आ रहा है। उसके लिए भी मैं विदेश मंत्रालय में गई थी, 19 मार्च से वहाँ बॉडी पड़ी थी। सच में इंसानियत हमारे समाज में नहीं बल्कि दुनिया में ख़त्म होती जा रही है, इसके लिए हम सबको आगे आना है। ये दर्द है, ये प्यार है, ऐश्वर्या को, रणदीप को, उमंग को, संदीप को, दर्शन को, ऋचा को, इन सबको अपना सहयोग दीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और मैं तो दुआएं करूंगी कि आप सब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आप इतनी शोहरत पाएं, इतनी शोहरत पाएं कि मैं कहीं भी बैठी हूं तो मेरा सीना जो है फ़ख्र से चौड़ा हो और मैं इतनी खुशी महसूस करूं कि उमंग आगे बढ़ा है, संदीप आगे बढ़ा है, मेरी ऐश आगे बढ़ी है, मेरा रणदीप आगे चला है, मेरा दर्शन आगे गया, मेरी आज ऋचा के लिए वाह हो रही है। ये वाह आपके हाथ में है, इन्हें इतनी शोहरत और इतना प्यार दीजिए जिसकी हम उम्मीद करते हैं उससे भटकर। इतना ही कहती हुई मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। वेल, इनका जो अंदाज है बोलने का, ये यही देख के मैंने डिसीजन लिया था कि मैं ये पिक्चर बनाऊंगा। मैंने इनको यूट्यूब पर देखा था और जिस तरह ये बोलती हैं, पहले मैं सोचा था कि और एक बायोपिक नहीं बनाऊंगा, लेकिन इनको देख के ही मैंने डिसीजन लिया था कि इनकी कहानी तो मुझे बतानी ही है। एंड सी सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी, सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी, आप सबको रुला देते हो। आई मीन एंड थैंक यू, आपने मौका दिया मुझे ये लोगों तक बताने का। अब मैं बुलाना चाहता हूँ ऑन स्टेज द रियल कैरेक्टर्स हु हैव प्लेड देम ऑन स्क्रीन। ऐश्वर्या राय जी प्लीज, रणदीप हुडा जी प्लीज, दर्शन, ऋचा प्लीज ऊपर आए। एंड रणदीप
सब लोग बहुत ही भावुक हो गए हैं बट रणदीप आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो मेरे ख्याल से एक फिल्म में एक लाइन है कि जिसको जो होना था वो तो हो ही गया पर परिवारों पे गुजरती रहती है. तो मेरे ख्याल से जो मैंने जो कोशिश की सरबजीत की तकलीफ़ को थोड़ा सहने की और सोचने की वो कैसा था और क्या बीती होगी 23 साल में जेल में, मैं वो करने के बावजूद इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि एक्चुअली में क्या बीती होगी. इट मस्ट हैव बीन रियली टेरेबल. बट उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से जो आस में जी रही फैमिली होती है किसी की, जो इंतज़ार में होती हैं और जो बाहर रहकर भी खुश नहीं रह पाते क्योंकि उनका कोई अजीज़ अंदर बंद है और अच्छे हाल में नहीं है, वो पेन मेरे ख्याल से बहुत बहुत गहरा है. और मैंने दलबीर जी को बोला था कि मेरी सिर्फ एक ही कोशिश रहेगी कि आप मुझ में अपना भाई देखें, और वो फिल्म में भी मैं ऐश्वर्या को कहता हूँ. और आज आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट्स माई बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट great soul, very fiery, and I'm really glad that I have got to know her and the daughters. In fact, on a lighter note, I called Dalbir ji, or she called me, and there was some promo of mine from some other movie, and they were kind of naughty. So she said, well, bacche keh rahe hain ki papa naughty hai. So it's a bond that we've all formed, I guess, and now standing here and looking at the real Sarabjit's photo, and I'm looking at him, and it's so strange that it's so strange that it's a strange equation just looking at him. So, but I'm very thankful to the whole family. It's not easy to bear your pain and to trust people with your own life, and I think I'm very thankful that they did, and I'm thankful to Umang to be so careful and sensitive with it and bring it to light. Thank you. Thank you. Ash, please. Honestly, I have no words. I can just say, thank you, Dalbir ji, Supreet ji, Poonam, and Swapan. Thank you for allowing us into your lives and through entrusting us with having the faith in all of us to share your story with the world. And we are blessed that we have got to know y'all, and had the opportunity to be the vehicles to translate your story to the world, which is such an important story. It's a human story, and words obviously fail me now. Randeep, you've said it all very beautifully for all of us. But I just say, we seek your blessings, Dalbir ji, and the family, and thank you for being you. Aap jo karte hain, din raat, aaj bhi, just is a lesson for all of us on in the spirit of a human being. She's not just Sarabjit's sister. She truly
is an evolved person who's doing so much for people, still keeping that incredible strength, conviction, resolution, going day in and day out. Even throughout the period that we were there, and I want to say this in front of her, when we're making the movie, of course it becomes her responsibility when a film is being made on her family and family members, as happens with the making of a film. People put forth requests to her to come and, you know, meet the unit, get to meet the unit, have their photo opportunities. And she's just been so gracious, her entire countenance, where, you know, she would make that happen and yet respect a director's space, a film unit's space, that if at times there was a certain degree of creative privacy sought. It's amazing how she made all ends meet, and that is reflective of immense character. Immense character. I mean, apart from the real story, even this, it's these little episodes and incidents where her gracious self is there for everybody to experience and see, and the entire family. Never once. I mean, it's their story, it's their film. Every day of us working creatively, it's their birthright. It's their story. And they have a right to be privy to everything, and yet to extend that kind of liberty and faith and grace is truly commendable. So on all levels, I just want to say a deep heartfelt thank you, and God bless you all for allowing us into your lives. And we truly hope we know you've told us already, but we truly hope we've been able to do justice, and your story does need to reach far and wide for the human story to be recognized. And that's where you all come in, and we thank you for your enthusiasm, your encouragement, and your support. Thank you. Also, I'd like to say that the biggest point that this movie makes is that, like Talbirji was saying, that in the political, or Hindi mein, siyasi airfare ki wajah se, there are a lot of innocent log phas jate hain uske andar. Aur jo political climate do deshon ke beech mein change hota raha, jisse ki Sarabjit ki life mein khilwaad hote rahe wahan pe, jisse uska koi lena dena nahi hai, jisse uske parivar ka koi lena dena nahi hai, uski wajah se in the political, जो हम दोनों देशों के बीच में जो एनिमिटी है उसकी वजह से कितने इनोसेंट लोग पिसते हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैसेज है. इट्स अ मैसेज फॉर पीस एंड इट्स अ मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी. एंड आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी बोथ द गवर्नमेंट्स द होल पब्लिक ओपिनियन चेंजेस एंड इट बिकम्स दैट वन ऑफ लविंग एंड फ्रेंडलीनेस एंड यू नो ऑनरिंग ईच अदर एज ह्यूमन बींग्स एंड नॉट जस्ट इन हिंदुस्तानीज एंड पाकिस्तानी. इट्स रिडिक्युलस. Dalbirji said it so beautifully today. I mean, every relationship needs to be respected, cherished, and you give your all to it. And she is the embodiment of that. She is, you heard her today. And I think that answers every possible question as to what, why, and underlines why we most definitely wanted her spirit to be recognized by all of you. It's an incredible energy. And incredible sensitivity, incredible strength, and unbelievable conviction and perseverance to keep it going for 23 years and beyond. And even today, when she's standing here, her grace to accord to all of us, to bless us, to wish us, it speaks of an incredibly evolved soul. Here she is speaking to all of us, all of you, to recognize relationships and give everything, give to it every waking moment of this blessing called life that we all have the opportunity to experience and respect it. Thank you. Richa, just a few words, please.
बहुत कुछ कहा जा चुका है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी. दिस इज़ द कैजुअलिटी ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, दिस पीपल राइट हियर. और बहुत कम बार होता है. एक्टर्स की ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम बार होता है जब उनको अपनी फिल्म के ज़रिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ उससे बड़ा कहने का मौका मिलता है. सो बहुत बड़ी बात होती है अपनी लाइफ को किसी और के हवाले कर देना. तो थैंक यू उमंग, थैंक यू दलबीर जी, थैंक यू. बस थैंक यू. सॉरी दर्शन, मुझे जब स्क्रिप्ट मिली पहली बार तो मैं बहुत मुश्किल से इसे कंप्लीट कर पाया, क्योंकि बीच में जितनी बार भी मैंने ये स्टोरी पढ़ी, दलबीर जी की जो संघर्ष है या जो सतबीर सरबजीत ने जो सहा जेल के अंदर, वो बार बार पढ़कर रोना आता था. बहुत मुश्किल से उसे कंप्लीट कर पाया. और उसके बाद जब अवैश शेख जी और दलबीर जी का जो रिलेशनशिप था, वो पता चला कि उनकी पहली मीटिंग के बाद कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़े और अवैश शेख ने कैसे पाकिस्तान में रहकर उनकी हेल्प की, तो बार बार दिल भर आया था. मैं उसके बाद उमंग सर से मिला और इस फिल्म से जुड़ गया. लेकिन मैं वर्ड्स बहुत भारी हो रहे हैं, लेकिन यह कि मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस फिल्म से जुड़ा. और इस फिल्म के जरिए जो हम एक मैसेज लोगों तक पहुँचाएंगे, जो दलबीर जी ने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो यू नो पॉलिटिक्स की वजह से जो रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहे हैं, आम आदमी बीच में पिस रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर उनमें से कोई छूट कर एक भी इंडिया में आता है तो ये फिल्म हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल होगी. सो मैं उमंग सर को थैंक्स करना चाहूँगा कि मुझे इसमें उन्होंने कास्ट किया और इस फिल्म का मैं एक जर्नी बन पाया. थैंक यू.